When men write poetry, वो या तो आप जाने मन हो या तो आप बेवफा. I'm generally in love with words, so there's no falling. You know, it's an ongoing process relationship. लेकिन एक चीज मैंने realize की कि आप नहीं हो. आप अगर होते तो आप जाते, दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा करते, अवार्ड लेके आ जाते. आप नहीं हो तो कोई और गया आपके लिए. अब कई लोगों ने, कई दिग्गज जाने माने लोगों ने मिलके मेरी तारीफें की. सर ये साले आराम से आते, इनको इश्क होता है. सर अच्छा इश्क जाते. कौसर मुनीर इज विद मी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि वो मेरे शो पर आई है. थैंक यू कौसर मेरे शो पर आने के लिए. थैंक यू रोहित दी मुझे बुलाने के लिए. अगर मुझे याद होता कि ये वीडियो है और रेडियो नहीं तो तो क्या करते हैं? पहले ऐसे शुरू करते हैं. कोविड टाइप फीलिंग्स. नहीं यार, थैंक यू सो मच. आई हैव बीन वांटिंग टू चैट विद यू फॉर अ व्हाइल. और यू नो बहुत ज्यादा गाने हैं जिनको सुन सुन के मैंने कभी वंडर किया कि कभी फोन उठाओ और आपको फोन करूँ और कहूँ ये वाली लाइन कब लिखी, कैसे लिखी. तो आज वो सारे कसर मेरे पूरे होने वाले हैं. कौसर के साथ कसर पूरे होने वाले हैं. वेरी एक्साइटेड. कसर पूरी होने वाली. पूरी. थैंक्स. दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. यू नो व्हाई? यू नो तुम भी बॉम्बे की लड़की हो, सेंट जेवियर्स कॉलेज गई हो मेरी तरह. ओके, यू आर माय सीनियर फ्रॉम कॉलेज एक्चुअली, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट से हम दोनों ने पास आउट किया एट डिफरेंट ईयर्स. तो ये जो बॉम्बे की लड़कियां होती हैं उनकी हिंदी बड़ी खराब होती है. तुम्हारी नहीं है, ये कैसे? घर का माहौल मेरे ख्याल से. और बम्बई जो है वो वाकई में एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है. तो हिंदी ख़राब है ये नहीं, क्योंकि कोई गुजराती हाउस होल्ड से हैं, कोई मराठी हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन बहुत सारे हैं. तो वो एक एक मिला एक एक मिली जुली तहजीब है बम्बई की. इसीलिए वो हर वो एक एक, एक नॉर्थ इंडियन शॉल नहीं उड़ाया जा सकता इस शहर को. ठंड भी नहीं होती इतनी. तो लेकिन घर का माहौल, क्योंकि मेरी जो जिस घर में मैं पली बड़ी, वो जो मेरा ददियाल है वो अलीगढ़ का है. तो किसी वजह से पता नहीं क्यों उसकी कायली थी शायद घर वालों की, कि कभी उर्दू पढ़ना लिखना तो सिखाया नहीं, लेकिन सुना है मैंने जो जो घर का माहौल था, जो बातचीत होती थी. सो एक तरफ वो था एक हिंदुस्तानी, जिसे मैं कहती हूँ नॉट खालिस उर्दू, क्योंकि अगर आप पीटीवी की उर्दू न्यूज सुनेंगे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आएगा. बिल्कुल. तो जो हम जो जुबान जिसे ना वो हिंदी है ना वो उर्दू है, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी है. तो एक तो वो एक माहौल था, और दूसरा था कि हाँ, चूंकि बम्बई कॉन्वेंट स्कूल, वैंड्रा हिल रोड, फिर सेंट जेवियर्स इंग्लिश लिटरेचर, तो एक 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 अजीब सा, यू नो, मैं अपने आप को आई कॉल माय सेल्फ अ मॉन्ग्रल, यू नो, व्हिच इज काइंड ऑफ. तो अगर कोई ना मुझे उस बक्से में डालता है कि AMU अलीगढ़, ददियाल, उर्दू, सलमा सिद्दीकी, तो मुझे ना थोड़ी सी कोफ्त होती है और मुझको लगता है नो, आई बिलोंग टू कॉस्मोपॉलिटन गर्ल एंड आई बिलोंग टू, यू नो, बैंड्रा 50. But when people try to say that you know, Bandra girl, then I'm like no. So it's नहीं हमारी बड़ी गंगा जमुनी तहजीब है. So it's I'm all over the place. But beautiful. I suppose that's the beauty of our country. It's truly a syncretic culture, which beautiful. Somehow we are. Anyway, बात की बात. नहीं. Congratulations on the win, by the way. Thank you. मैंने कौसर से कहा था कि अपना अवार्ड लेकर आए मेरे लिए, बिकॉज मुझे सिर्फ छूना है उस अवार्ड को. बहुत ही खूबसूरत अवार्ड है. खूबसूरत है. बट आई रिमेम्बर कि जब ये यू नो फिल्म फेयर हुआ था, आप तो थी नहीं. Yes. हिंदुस्तान में नहीं थी आप, कहीं और झंडे लहरा रही थी. आप न्यूयॉर्क में थी? मैं न्यूयॉर्क में थी, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है. जो पहला साल था पिछले साल, वो पैंडेमिक ईयर में हुआ, तो हम जा नहीं पाए थे उसको सेट वगैरह करने. तो ये दिस वाज़ हर सेकंड ईयर, जिसे वहाँ पे सोफोमोयर कहते हैं कॉलेज का. तो हम वहाँ गए थे उसे सेटल कराने, हालांकि एक साल गुजर चुका है. वैसे हम देखने गए थे हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं. सो आई वॉज देयर. लेकिन मैंने एक चीज, ऑफकोर्स बड़ा अफसोस हुआ, खासतौर से क्योंकि जब मिल गया अवार्ड और फिर आपको लगता है अरे भाई, यू नो, होते तो मैं होती तो क्या होता. लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि आप नहीं हो,
आप अगर होते तो आप जाते, दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा करते, अवार्ड लेके आ जाते. आप नहीं हो तो कोई और गया आपके लिए, जो आप इन दिस केस कबीर खान द डायरेक्टर ऑफ 83 द परफेक्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इट. और कई लोगों ने, कई दिग्गज जाने माने लोगों ने मिलके मेरी तारीफें की. So that was a bonus, you know. Yeah, even better. Yeah, I would have to thank others. These people were kind of, you know, waxing eloquent about me. So, hey, I didn't have to dress up and sit for 4 hours. Oh my God. ऐसा हुआ है लेकिन, you know, कि आप nominate हुए हैं इससे पहले और आपको इसे बैठना पड़ा है and you have to be happy for other people. So I think when you get nominated a couple of times and finally you win, वो feeling क्या है? So, फॉर्चुनेटली फॉर मी जितने भी अभी अवार्ड्स होते हैं हमारे यहाँ, वो उन सब में कभी ना कभी तो मिल गया है अवार्ड. फिल्म फेयर में पहली ये मेरा पहला फिल्म फेयर है, तो उसका मुझे बाद में एहसास हुआ कि भाई ये कुछ है. क्योंकि जो भी हो, ठीक है, दौर बदल गए, ज़माना बदल गया है, लोगों के क्या कहते हैं, ख्यालात बदल गए हैं अवार्ड्स को ही लेके और उसकी जो अहमियत है उसको लेके, लेकिन फिर भी फिल्म फेयर इज दैट shampoo bottle in the bathroom, you know, which people I think still feel that way about it. It's the oldest, it's the most perhaps still prestigious. So it felt good. And I could feel that by the love that came in, family and friends and the world. Also, there are hardly any women who are in this, in the lyrics writing field. And there were fewer still who win awards. So I think that was special. It was very special for, I think a lot of us were very excited and happy because it was you, Kausar. Yeah. Not just because it was a woman, it was also Kausar. Yes. You know, so these are two things, two reasons, which is why I think a lot of us celebrated that day. Yes. Bilkul sahi kaha. Tumne kaha ke unfortunately, there's not too many female lyricists. And I find that sad क्योंकि ये लिखना जो है ये, and no disrespect to men are wonderful, they've written wonderful lyrics all our lives at least, लेकिन the gaze, you know, is so specifically male that even when men write songs for women, you know, it might be a great song, but I feel like, I'll give you an example of one of your songs, and that is Jhalla Valla, right? Jhalla Valla is to me one of my favorite songs. And mujhe us time pata nahi tha, because you know when you hear a song for the first time, you're just reacting to the song itself. It is an item number. It is. And that's what I find interesting. Because Jhalla Valla item number hai. Lekin jab wo gaze tumhara hota hai, aur jab ladki bolegi to kaisa hota hai, to mujhe us baat mein bahut maza aaya tha. And I remember saying, आज भी जब हम वो गाना सुनते हैं, there are so many of us who laugh saying and we quote those lyrics saying that, you know, matinee दिखा के चला गया, वो golden jubilee, हाँ, Titanic, you know, and so when you had to approach that song, and I'm going to start with Jhalla Valla, ऐसे बोला गया था कि actually item number है, और कोई reservations थे उस दौर में? तो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, थे हबीब फैसल, वो कभी इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसलिए नहीं क्योंकि उसमें वो एक अलग डिस्कशन है. इसलिए नहीं क्योंकि इस जुमले में कोई खराबी है, इसलिए कि वो उस फिल्म का क्या कहते हैं, सुर नहीं था. बिल्कुल. तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली थी और एक जलसा है फैमिली का है, और वाकई में एक एंटरटेनर, एक जिसे कहते हैं नाचने गाने वाली, उस जश्न को में चांद चांद लगाने आ रही है, जिनका नाम ही चांद बेबी है, बेबी. सो द फन फैक्ट इज दैट ये गाना आसानी से नहीं मैंने लिखा. मैंने कई कोशिशें की, कई ड्राफ्ट हुए इसकी, और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो यू नो मे बी रहने देते हैं, आप किसी और से करवा लीजिए. वैसे भी वो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने एक गाना किया था यशराज के लिए उससे पहले, दर्शन का फलक. अब मुझे वैसे भी लिरिक्स राइटिंग में कोई ज्यादा खास कुछ करियर बनाने का कोई वो नहीं था सपना. ये फिल्म आई तो मैंने कहा रहने देते हैं. फिर उन्होंने कहा यार स्लीप ओवर इट, सोचो देखो कुछ नो कहीं पर. तब मैंने, मुझे याद है कि बचपन में ना मैं फैमिली में कभी मेरी मदर या कभी मेरी ननिहाल में मेरे नाना, वो मुन्नी बेगम और शकीला बानो भोपाली, उनके गाने सुनते थे. तो मुझे लगा कि यार ये जो औरतें थी ना, वो वेरी दबंग औरतें थी, उनको कोई आइटम नंबर नहीं कह सकता. बिल्कुल. वो देवर
they were bona fide entertainers and they were liberated absolutely जो जो ना ताना कसने में सच बोलने में लेकिन एक बहुत ही entertaining बहुत ही glamorous वे में कभी वो चूकते नहीं होता है ना पंजाबी शादी में यही तो होता है जो टप्पे होते हैं ये होते तो exactly तो then फिर मैंने वो approach लिया कि they were actually couplets two line couplets yeah. and actually be having fun with the male sort yeah. of identity you yeah. know and that's how it happened yeah I love that song yeah I, so do I I do. Just yeah. love it yeah. because yeah. it's so fun and it's also very empowering yeah. because yeah. aksar ladke apne bare mein aise gaane nahi likhte and what I liked about the way the song was shot ki wo gohar who's fabulous wo dance kar rahi hai aur jo ghar ki ladki hai yeah. वो भी डांस कर रही है और अपनी और जो घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें वो भी मजे ले रही हैं व्हिच इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ दैट I was going to ask you this question कि ये जो शब्दों के साथ एक लगाव होता है I don't know how you approach it but do you fall in love with the word and say कि मुझे ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना है because I know इशकजादे तुम्हारी देन है इशकजादे yeah it's not a word yeah it doesn't exist so इशकजादे no, it's not like that. It's not like that. Oh, I put down some words and I say, oh, now, you know, I will use this when the opportunity strikes. But no. Do you fall in love with words? I'm generally in love with words. So there's no falling. Mm. You know, it's an ongoing process relationship. But like what for with Ishakzade, what happened was Habib sir said to me, ke, you know, ye, sale haramzade hain jinko ishq ho gaya hai. I said, acha, to ye Ishakzade hain. So he said, "Haan," और ये title है. Oh my God! Oh, so that's exactly how it happened. He said, "ये साले आरामजाद हैं, इनको इश्क हो गया." I said, "अच्छा, इश्कजाद हैं." Beautiful. So he was like, The title of that film was तेवर. अच्छा, तो वो तेवर थी पहले. Yes. Then. और फिर तेवर भी तेवर बिकम तेवर for which I wrote. आपने गाने लिखे हैं, जी हाँ जी. I want to ask you, is there a particular type of song, okay, जब you know when it's offered to you or asked to write it, जो तुम शायद नहीं करोगी? For any reason, you know, कि मैं ऐसा गाना नहीं लिख सकती ना तो अभी तक हुआ है और आगे चल के लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे मुश्किल कहाँ पे होती है और जो बहुत ही लोगों को सुन के अजीब लगेगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे Can I guess? हाँ Love songs? नहीं No? Party songs, fun songs. Yes, okay. very hard. Very, very hard. Because how do you make it popular you're basically writing for popular appeal you're writing for the sound because the sound is king there and second of all yes you want to do something different now I don't want to do blue hai pani 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 not for you correct that's a huge hit yeah so that's where wahan pe meri thodi si I have to step back and take some time and effort which will surprise people because they are like are ye kya gaya party abhi baki bahut mushkil hai to come up with all these sort of catchy youthful phrases it is what is your sense when does a music director or a film director Kausar ke paas kab aate hain ये जो बात है ये कई बार मैंने सोची है और उसका कोई जवाब सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने का क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो कॉलीग्स हैं उनकी क्या उपलब्धियां हैं जैसे अमिताभ भट्टाचार्य वो एक चार्ट बस्टर्स लिख सकते हैं और उसमें इमोशनल डेप्थ भी होती है ऐसा नहीं है कि अमिताभ की जो राइटिंग है वो सिर्फ या बिल्कुल भी नहीं तो उनको उनको जो क्या कहते हैं पॉपुलर नर्व्स भी पकड़ना आती है और डीप भी जाना हाँ या जैसे कुमार है उनको जिन सब गानों की मैं बात कर रही थी जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है वो आसानी से करते हैं या जैसे इरशाद कामिल की मैं बहुत बड़ी मैं कायल हूँ उनकी क्योंकि वो जिस तरह से लिखते हैं और रॉकस्टार जैसा एल्बम अगर किसी की जिंदगी में हो जाए तो मैं अगर मेरा होता तो मैं कहती अब हो गई ना अब गंगा नहा लिए सो वो सब मैं समझ रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी इतनी खूबसूरत है हमारी ये काइंड ऑफ इंडस्ट्री कि सबके लिए जगह है और अब मुझे ऐसा लगता है और मुझे नहीं लगता है लोगों ने मुझसे अब कहना शुरू किया है कि अगर एक सरल सी बात को सरल शब्दों में लेकिन
गहराई से कहनी है तो शायद वो मेरे पास आए. उफ, ये गहराई. ओह, व्हाट अ ग्रेट आंसर. इट्स बीन अ गुड ईयर. इट्स बीन अ लाइक 83 गहराइयां. बजरंगी भाईजान, बिकॉज आई हैड अ कपल ऑफ सॉन्ग्स इन इट, आई हैड डायलॉग इन इट. इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म टू बी पार्ट ऑफ. सो या, एंड आल्सो द टीम, यू नो, कबीर खान के साथ. ओह या, आई विल हैंड्स डाउन से ही इज वन ऑफ माय, if not my favorite director to work with. एक था टाइगर से लेके आज तक उनकी हर फिल्म में मैंने काम किया, and I hope it continues that way. I think one of the greatest, I mean, मेरे favorite, because I often ask lyricists कि आपने किसको follow किया है या किनको आप मानते हैं. It's hard, right? Because हमें जावेद साहब से भी प्यार है, गुलजार साहब से भी प्यार है, but my favorite would be बख्शी साहब. Because बख्शी साहब की जो, I mean, he was just, I think, one of the most underrated writers. उन्होंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतने prolific writer रहे. उनकी सबसे बड़ी strength यही थी कि वो भी गाने, situation और सिर्फ के हिसाब से लिखे. बिल्कुल, क्योंकि ये फिल्म भी, फिल्मों के लिए ये गीत लिखे जा रहे हैं. ये, you know, जैसे आप एक इंडिपेंडेंट जो कोक स्टूडियो के लिए गाना मैंने अमित त्रिवेदी के सेट के लिए लिखा था, उट्स कॉल्ड नारियां. I had my free hand to do whatever the hell I wanted in that. Yeah. So it is, I've clearly addressed, ki, you know, na main teri devi, na main teri dasi. You know, yeah. Just treat me on equal footing. I know it's very an obvious lyric, but that's what I wanted to say. But Anand Bakshi, and I suppose a 2.0 version of that, I often tell Amitabh Bhattacharya, is you, meaning him. Okay. He even has the same initials. Yes, he does. I just realized that right now, yeah. So, that is the tough part. Consolidation is tough. Or, lekin wo baat ki baat hai, mujhe lagta, and I don't know why. I really don't know why, really, why women are not in this. Because aurte likh rahi hain, aap filmein bana rahi, not at that in volume, but yes, far, but what, agar hum lyrics ki baat karenge, so there are hardly 1, 2, 3, 4 names that come absolutely to mind. And I feel that that's a lack of literature. I mean, at the end of the day, I have grown up feeling things, but men have written my feelings. And it's great, you know, because auraton ki tareef hi hoti hai usually. But that's what it is. When men write poetry, wo ya to aapki, ya to aap jaane man ho, ya to aap bewafa. So either they will exalt you, glorify you, or they will kind of, you know, sort of blame you for their problems or their lack of, you know, love. Yeah. And there, so yes, and I feel me having this sort of literary background and jo padhne likhne ka shauk, वो कहीं ना कहीं आता है. बिल्कुल काम आता है. मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इसको लिखने में आपने कितना वक्त लगाया, तो ये मैंने कई बार कहा है, अब फिर दोहराती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये जो चार लाइनें थी उनको लिखने में मुझे 4 दिन लगे या 40 साल लगे. बिल्कुल, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिटरेचर एंड पोएट्री. देयर कैन बी नो राइटिंग विदाउट रीडिंग. एब्सोल्युटली. एंड फॉर फीलिंग एस्पेशली, बिकॉज़ एज यू राइटली सेड, I have only grown up listening to these songs from the male gaze, right? And that's why, and I keep talking about Jalla Walla, you'll be like, kya Rohini maine itne gaane likhe, but isi pe tum atki ho. But that, I found myself in that song, you know, because the truth is that nobody's talking about lesser men or greater men according to our point of view. So I love that song. Did I tell you that again? Teen baar maine bola ye pagal ki tarah. आफतों के परिंदे शहजादे, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, बिकॉज उसमें एक लाइन है व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, ना जमी के ना फलक के शहजादे, एंड यू ब्रॉट बैक फलक देयर, तो मैंने कहा ये तो लकी चांद है. शी इज रियली, देयर वाज अ बिट ऑफ लाइक, देयर वाज अ इमेज ऑफ शोले इन दैट सॉन्ग कहीं ना कहीं. आई लव दैट सॉन्ग. इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल मी अबाउट दैट सॉन्ग, कुछ है जो आप शेयर. सो इंटरेस्टिंगली, खुश खुद ही के जहां में आई, इट वाज अ प्ले ऑन द वर्ड खुदकुशी. यस, because they do kill themselves in the end of, at the end of the film, and that's where that song happens. It's very close to the end. Interestingly, the word khud kushi does actually mean to end one's chances, end one's life and end one's chances of happiness. So that was playing in my mind, that these two characters
for them, being without each other meant no hope of happiness. Yes. So true. True. So might as well, you know. Yeah. Let me talk about Lehra though. Uske humne ek for populism reasons humne ek aisi ye bhi line likhi thi ki wo the first line is sarkashi ka parcham lehra do sarkashi matlab nahi pata mujhe aaj bata do. So okay, so there you are, which is what what Pritam said, what many people on the team said. So we had written ki har khushi ka parcham lehra do, which was especially when is that happy celebratory song of full points to Kabir, who at the very last moment, first he said, "Acha, haan, theek hai, let's do." He went along with Pritam. Har khushi ka parcham. It's celebration. Parcham anyway. Half the people don't know parcham means flag. But chalo. Parcham hai toh. Then he said, "Nahi. Jinko nahi pata hai, unko sound acha lagega. Aur jinko pata hai, it's great. Aur jinko nahi pata hai, unko pata hona chahiye. Because sarkashi actually means rebellion, and that can be applied in several ways." Several contexts. It can mean ki junoon, josh. It can be in that context also. Yeah, we are not saying that, "Bhai, baagi ho jao." हम सब का एजेंडा होना चाहिए. But क्योंकि आप तो औरत हैं, तो वो तो पहले से ही एजेंडा होना चाहिए. You know, क्योंकि ये लादा नहीं गया हम पर. Right now हम सिर्फ लिख रहे हैं. हमें ये credit मिल जाए काफी है. और the fact that you've arrived is enough, right? But if you had to turn around and tell yourself कि एक agenda है मेरा, if you had to reveal to us, तो ये agenda है कोई, क्या है agenda? या क्या है agenda? जो तुम लेना चाहते हो, लेना दो. परचम, क्या है वो परचम? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है. मेरा जो लेकिन maybe in terms of storytelling, सिर्फ lyrics या poetry की जानिब से नहीं, but any kind of ideation or storytelling. I feel we are in a world which is all about bite size and ultra speedy and instant consumption. So it would be nice to go back to stories which are not about the plot, but about the feeling, about the characters, about similarly, I feel then with songs. So like I said, maybe that's why I find it difficult to Do the party number because I want something perhaps that is more permanent. That's the word. So to kind of be not in an egotistical way that I want to be remembered, but something that you said should have enough weight to evoke last. Something to inspire something to last. Yeah. बहुत सारे और सवाल हैं कौशल, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम दोबारा से मिले और दोबारा से बातें करें. सो आई विल सी अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट टाइम. लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू. या आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस, आई मीन इन अ वियर्ड वे, वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस विक्ट्री. ऑफ कोर्स. नो नो नो, तुमने किया. आई आल्सो गॉट द आईफा फॉर लहरादो जस्ट दिस ईयर एंड आई वाज सो हैप्पी विद इट बिकॉज़ आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर आईफा. So I was on the other side and I was like, and I was going on telling, and I knew the teams, I was going on telling them, "Hey, treat me with respect. I'm a winner. Hey, where's my party, you know, pass." So yeah, these are the small but great joys. No, we are very happy for your win. Really, really. Congratulations on the show. Thank you. Thank you. हाय, मैं हूँ कौसर मुनीर और मैंने खूब सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं रोहिणी के साथ फिल्म कंपेनियन लोकल पे. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारे ऐसे इंटरव्यूज देखिए, मज़े मज़े की बातें सुनिए.